हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। स्वागत है मैं एक और नई वीडियो के साथ। इसमें आज हम जानेंगे भाई, क्योंकि इंडिया में कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल ही पहले ना, इंटरनेट डेटा बहुत महंगा हो गया था। अभी आपकी अपडेट हम चेक करेंगे कि इसमें इंडिया का डेटा कहाँ पे पहुंचा है, क्या कीमत है इसकी, लोग ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, रेटों का पता चल बिल्कुल जाएगा, सारा कुछ इसमें जानेंगे। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के कारण करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, कुछ साल पहले इंटरनेट डाटा इतना महंगा था कि हम सभी व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन चेक करने के लिए मोबाइल डाटा ऑन करते थे और फिर ऑफ कर देते थे। लेकिन आज जियो की मेहरबानी से हर हाथ में सस्ता इंटरनेट पहुंच चुका है। लोग धड़ल्ले से इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखना हो, कोई मूवी या ऐप डाउनलोड करना हो, तो लोगों को डाटा खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी। जियो के कारण अन्य दूसरी कंपनियों को भी अपने डेटा पैक की कीमतें घटानी पड़ी, जिस कारण भारत का नाम पूरी दुनिया में सबसे सस्ते तो इंटरनेट सेवा वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां 1 GB मोबाइल डाटा 1 कप चाय से भी सस्ता है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि इसमें हम भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन इत्यादि देशों की रैंक भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोबाइल डाटा की कीमत अमेरिकी डॉलर में बताएंगे और उसी आधार पर उन देशों की रैंक भी बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में बताया गया सारा डाटा 30 जून 2020 तक का है। वियतनाम। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें स्थान पर है साउथ ईस्ट एशिया का देश वियतनाम। यह एक गरीब देश है जहां महंगाई दर बहुत ज्यादा है। इस देश में 1 GB मोबाइल डाटा की औसत कीमत 0.57 अमेरिकी डॉलर है। अगर वियतनाम की लोकल करेंसी में बात करें तो वहाँ के लोग 1 GB 4G डाटा करीब 13,129 वियतनामी डोंग में खरीदते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं यह बताना चाहूँगा कि एक अमेरिकी डॉलर आज 6 मार्च 2021 को 23,034 वियतनामी डोंग के बराबर है। रशिया। दोस्तों, एरिया के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में भी मोबाइल डाटा की कीमत अमेरिकी डॉलर में कम है, लेकिन लोकल करेंसी में ज्यादा है। वहाँ के लोगों को 1 GB 4G डाटा के लिए 0.52 अमेरिकी डॉलर यानी लोकल करेंसी में 38.66 रूसी रूबल चुकाने पड़ते हैं। आज 6 मार्च 2021 को एक अमेरिकी डॉलर 74.35 रूसी रूबल के बराबर है। इस हिसाब से देखा जाए तो रूस की लोकल करेंसी में भी 1 GB 4G डाटा की कीमत बहुत ज्यादा है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोबाइल डाटा की कीमतों की डॉलर में तुलना करें तो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका भी वर्ल्ड के टॉप 10 में आता है। श्रीलंका में 1 GB 4G मोबाइल डाटा आपको 0.51 अमेरिकी डॉलर में मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें श्रीलंका की लोकल करेंसी में डाटा की कीमतों की, तो आपको वहाँ 1 GB के लिए 99.91 श्रीलंकन रुपया खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक अमेरिकी डॉलर आज 6 मार्च 2021 को 195.91 श्रीलंकन रुपया के बराबर है। सोमालिया। दोस्तों, दुनिया का सबसे गरीब और भ्रष्ट देश सोमालिया का नाम इस लिस्ट में देखकर आप हैरान हो गए होंगे। गरीब देश होने के कारण यहाँ महंगाई दर बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद यहाँ 1 GB 4G डाटा आपको 0.5 अमेरिकी डॉलर में मिल जाएगा, क्योंकि एक अमेरिकी डॉलर 585 सोमाली शिलिंग के बराबर है। इसलिए आपको लोकल करेंसी में 292.5 सोमाली शिलिंग खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, सेंट्रल एशिया में स्थित देश कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, यानी यह देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। यहाँ भी 1 GB 4G डाटा आपको 0.46 अमेरिकी डॉलर में मिल जाएगा, लेकिन चूंकि एक अमेरिकी डॉलर 419.79 कजाकिस्तानी टेंगे के बराबर है, इसलिए अगर आप वहाँ लोकल करेंसी में 1 GB डाटा खरीदना चाहेंगे तो आपको 193.1 कजाकिस्तानी टेंगे पे करना पड़ेगा। महंगा है भाई।
दोस्तों रशियन फेडरेशन से अलग हुआ देश यूक्रेन भी सबसे सस्ते मोबाइल डाटा वाले देशों की लिस्ट में शामिल है। इस देश में 1 GB 4G डाटा खरीदने के लिए आपको 12.76 यूक्रेनियन रिवानिया खर्च करने होंगे। बात करें अमेरिकी डॉलर में 1 GB डाटा की तो इसके लिए आपको महज $0.46 चुकाने होंगे। दोस्तों यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि एक अमेरिकी डॉलर 27.75 यूक्रेनियन रिवानिया के बराबर है। सही है, हाँ सही है, इधर थोड़ा सस्ता इटली। इटली नंबर 4 दोस्तों यूरोप में स्थित इटली पर्यटकों के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ भी आपको 1 GB 4G डाटा बहुत सस्ते में मिल जाएगा। इटली में 1 GB मोबाइल डाटा के लिए आपको महज 0.43 अमेरिकी डॉलर यानी 0.36 यूरो खर्च करने होंगे। दोस्तों इटली में यूरो चलता है और एक यूरो 1.19 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, इसलिए वहाँ डाटा के लिए आपको कम पैसे खर्च करने होंगे। दोस्तों कभी सोवियत रूस का हिस्सा रहा किर्गिस्तान सेंट्रल एशिया में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इस देश की करेंसी का नाम किर्गिस्तानी सोम है और एक अमेरिकी डॉलर 84.80 किर्गिस्तानी सोम के बराबर है। इस देश में भी 1 GB मोबाइल डाटा आपको महज 0.21 अमेरिकी डॉलर यानी 17.81 सोम में मिल जाएगा। इस तरह देखा जाए तो इस देश की लोकल करेंसी में भी मोबाइल डाटा ज्यादा महंगा नहीं है, ज्यादा महंगा नहीं है। नंबर 2 है दोस्तों सबसे सस्ते मोबाइल डाटा की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है इजराइल। टेक्नोलॉजी के फील्ड में बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहे इजराइल की करेंसी का नाम इजरायली शेकेल है और एक अमेरिकी डॉलर आज 6 मार्च 2021 को 3.33 इजरायली शेकेल के बराबर है। इजराइल में 1 GB डाटा खरीदने के लिए आपको महज 0.11 अमेरिकी डॉलर यानी लोकल करेंसी में महज 0.37 शेकेल चुकाने होंगे। यानी इजराइल में भी मोबाइल डाटा ज्यादा महंगा नहीं है, नहीं है। इंडिया दोस्तों सबसे सस्ते मोबाइल डाटा की इस लिस्ट में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है हमारा प्यारा देश भारत। जियो के आने के पहले हमें 1 GB 4G डाटा के लिए लगभग ₹300 चुकाने पड़ते थे, लेकिन अब 1 GB के लिए लगभग 4.4 रूपए यानी कि ₹4.40 देने पड़ते हैं। हालांकि सभी कंपनियों ने मिलकर कुल 60 तरह के मोबाइल प्लान लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें कुछ सस्ते हैं तो कुछ महंगे हैं। इसलिए अगर इन सभी का एवरेज निकाला जाए तो हमारे देश में 1 GB 4G डाटा की कीमत 0.09 अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय करेंसी में 6.59 रुपए यानी कि 6.09 है भाई। इस तरह देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता 4G डाटा हमारे ही देश में मिलता है। दोस्तों इन सब के अलावा 12वें नंबर पर मौजूद चीन में 1 GB 4G डाटा $0.61 यानी 3.96 चाइनीज युआन में मिलता है, जबकि 17वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान के नागरिकों को 1 GB डाटा के लिए 0.69 अमेरिकी डॉलर यानी 108.33 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ते हैं। 19वें नंबर पर मौजूद बांग्लादेश में 1 GB डाटा की कीमत $0.7 यानी 59.33 बांग्लादेशी टका है। 59वें नंबर पर मौजूद ब्रिटेन में 1 GB डाटा के लिए आपको $1.24 यानी 1 पाउंड खर्च करना पड़ेगा। जबकि हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में अमेरिका 188वें नंबर पर है। अमेरिका में 1 GB 4G डाटा खरीदने के लिए आपको $8 तक खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में दिए गए सारा डाटा ब्रिटिश वेबसाइट के भाई सबसे ऊपर जा रहा है, सबसे ऊपर जा रहा है। मैं चाहिए नहीं ऐसे कि अमेरिका में यार देखा जाए ना तो इंडिया हर चीज में बेहतर है, हर चीज में। हाँ। ये जो सबसे महंगी है वो पाकिस्तान भाई, सबसे ज्यादा अमेरिका आ रहा था और सस्ते में भाई सबसे ज्यादा सब पहले नंबर पे 0.09 इंडिया आ रहा था। और भाई जहाँ भी जाओ तो वहाँ ऊपर ही मिल रहा था और इंडिया में सबसे अच्छा मिल रहा है, सबसे सस्ता मिल रहा है इंडिया में। और भी देश हैं उनकी बहुत कम थे, लेकिन पाकिस्तान और भी 2-3 देश हैं। अमेरिका को 4 रुपए से नहीं समझता यार, अमेरिका तो सस्ता होना चाहिए, लेकिन $4 में भाई $4 एक पैकेज होता है और इंडिया में भाई ₹4 और कुछ पैसे में होता है। पहले 300 रुपए का था, अभी 4.4 रुपए पैसे का है। बिल्कुल यार, कुछ और भी नहीं देखना भाई यार, कितना तरक्की हो गया यार। अभी तो 5G आ गया है, इंडिया वाले तो खुशकिस्मत है 5G आ गया है। बिल्कुल तो यार हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छी लगी तो
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको न्यू हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टाइम से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।